iPhone 7 Plus का रिव्यू मैंने 2019 में किया था उसके बाद 2020 ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू और अब ट्वेंटी थ्री में भी मैं करने वाला हूँ काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या आई फोन सेवन प्लस ट्वेंटी ट्वेंटी या फिर नहीं अगर लेना चाहिए तो क्या प्राइस रीजनेबल रहेगी सेकेंड हैंड स्मार्टफोन की इन सभी क्वेश्चन के आंसर मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ तो चलिए शुरू करते हैं बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए आई फोन सेवन सीरीज में दो स्मार्टफोन लॉन्च हुए थे आई फोन सेवन एंड आई फोन सेवन प्लस दोनों ही स्मार्ट अक्टूबर सेवन ट्वेंटी सिक्सटीन में लॉन्च हुए थे तीन साल बाद ट्वेंटी में एप्पल ने आई फोन सेवन सीरीज को डिसकंटिन्यू कर दिया था आईओएस एस वर्जन टेन ऑपरेटिंग आई फोन सेवन सीरीज में इसके बाद सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी अपडेट नहीं मिलेगा अभी रिसेंटली आईओ एस सिक्सटीन एपल ने लॉन्च किया है और आई फोन 7 Plus, unfortunately, iOS 16 में में में। में नहीं है। है, डिजाइन डिजाइन की की बात करूं तो आईफोन 7 Plus में मिलता है, कर्व मिलती हैं चारों साइड पर वॉल्यूम बटन मिलते हैं वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन इसके अलावा साइलेंट बटन भी लेफ्ट साइड में ही मिलता है अगर आप नीचे करेंगे तो साइलेंट मोड ऑन हो जाएगा और ऊपर करने पर साइलेंट मोड ऑफ स्लिम स्मार्टफोन है काफी ज्यादा प्रीमियम लुक आता है आईफोन 12 के कंपैरिजन में पॉइंट वन एम थिकनेस कम है वहीं आईफोन 14 के कंपैरिजन में पॉइंट फाइव एम थिकनेस कम है सिंगल सिम स्मार्टफोन है राइट right साइड में पावर बटन और सिम ट्रे मिलती है आईफोन 7 सीरीज में भी एप्पल ने एल्यूमिनियम फ्रेम दिया था बैक पैनल पर आपको एप्पल का लोगो अपर साइड में देखने को मिलेगा कैमरा बम्प भी काफी ज्यादा स्मार्ट दिया था एप्पल ने डुअल रियर कैमरा सेटअप साथ में फ्लैश लाइट और एक सेंसर भी बैक पैनल पर मिलता है बॉटम में चार्जिंग पोर्ट और स्पीकर ग्रिल्स सिमेट्री के लिए दोनों साइड दिए हैं लेकिन स्पीकर सिर्फ एक साइड में है फ्रंट में होम बटन पर फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है और ऊपर की साइड में एक स्पीकर फ्रंट फेसिंग कैमरा और कुछ सेंसर्स परफॉर्मेंस की बात करूं तो आईफोन 7 प्लस में मिलता है एप्पल ए टेन फ्यूजन ए पी एल वन जीरो टू फोर वहीं एपल का लेटेस्ट चिप से चल रहा है एपल A15 फिफ्टीन बायोनिक क्वैड कोर प्रोसेसर आईफोन 7 प्लस में 2.34 पॉइंट थ्री फोर गीगा हर्ट्स डूअल कोर हरिकेन प्लस वन पॉइंट वन गीगार्ट्स डूअल कोर जेफायर एम टेन मोशनसर मिलता है ग्राफिक्स के लिए पावर पारी आर जी टी सेवन सिक्स लेटेस्ट एप्पल की आई फोन में रैम चल रही है 6GB की फीचर्स सुनने पर काफ़ी स्लो फोन लग सकता है लेकिन हम एप्पल के स्मार्टफोन की बात कर रहे हैं यहाँ पर क्वालिटी मैटर करती है ना कि क्वान्टिटी एप्पल के लेटेस्ट स्मार्टफोन से अगर हम कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली आई फोन सेवन प्लस बहुत ज्यादा स्लो है आई फोन फोर्टीन थर्टीन या ट्वेल्व सीरीज के कंपैरिजन में लेकिन अगर आप 10 से पंद्रह हज़ार की रेंज के एंड्रॉयड स्मार्टफोन से कंपेयर करेंगे तो आईफोन 7 प्लस परफॉर्मेंस वाइज अभी भी बेटर है सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस स्मार्टफोन का है इसकी डिस्प्ले इस स्मार्टफोन में मिलती है आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले जिसकी क्वालिटी अब की डिस्प्ले से काफ़ी ज़्यादा बेकार है स्क्रीन साइज फाइव पॉइंट रिजोल्यूशन फुल एच डी टेन एट्टी बाय नाइनटीन टवेंटी पिक्सल्स एक्सपेक्ट रेशियो ऑलमोस्ट सेम सिक्सटी टू नाइन पिक्सल डेंसिटी में भी ज़्यादा फर्क नहीं है फोर हंड्रेड वन पिक्सल पर इंच स्क्रीन टू बॉडी रेशियो काफ़ी ज़्यादा लो है इस स्मार्टफोन का सिक्सटी सेवन पॉइंट फाइव वन परसेंट आपको एजेस मिलेंगी थिक एजेस ऊपर की साइड भी और नीचे की साइड भी कुछ लोगों को थिक एजेस पसंद होती हैं लेकिन कुछ लोगों को नहीं पसंद होती हैं मोस्टली ज़्यादातर लोगों को थिक एजेस आज के टाइम पर नहीं पसंद होती हैं कैमरा की बात करूँ तो आईफोन सेवन प्लस में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है 12 मेगापिक्सल वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा प्लस 12 मेगापिक्सल टेलीफोटो कैमरा बीएसआई सेंसर के साथ वहीं फ्रंट में मिलता है 7 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर iPhone 7 प्लस का बेस्ट फीचर है इसका कैमरा पोर्ट्रेट मोड मिलता है स्लोमो टाइम लैप्स और भी काफी सारे फीचर्स मिलते हैं पोर्ट्रेट मोड सबसे बेस्ट है बहुत ही ज्यादा कमाल का है बहुत ही शानदार फोटो आती है आज की डेट में भी आप iPhone 7 प्लस की पिक्चर किसी भी स्मार्टफोन के कैमरे की पिक्चर से कंपेयर कर सकते हैं रिसेंटली लॉन्च हुए तक की रेंज के के भी प्लस कैमरा से बराबरी नहीं कर पाएंगे लेकिन फ्रंट कैमरा इतना ज्यादा अच्छा नहीं है ऐसे बहुत सारे एंड्रॉय स्मार्टफोन्स है जिनका फ्रंट कैमरा आई फोन सेवन प्लस से कहीं ज्यादा बेटर होगा एप्पल ने बैटरी में मेजर अपग्रेड आई फोन सेवन सीरीज से ही करना शुरू किए थे ट्वेंटी नाइन हंड्रेड एम एच की पावरफुल मैसिव बैटरी दी थी एप्पल ने आई फोन सेवन प्लस में थियम आयन बैटरी थी कैपेसिटी और बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छा था लेकिन आज के टाइम पर आपको सिर्फ और सिर्फ सेकेंड हैंड स्मार्टफोन ही मिलने वाला है तो आपको ओरिजिनल एप्पल की बैटरी किसी भी स्मार्टफोन में नहीं मिलेगी रिप्लेस्ड बैटरी ही आपको मिलेगी जिसका बैटरी बैकअप ज़्यादा अच्छा नहीं होता बैटरी क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी नहीं होती पाँच से छः महीने तक सिर्फ वो बैटरी चलती है उसके बाद आपको बैटरी रिप्लेस ही करवानी होती है बैटरी के हिसाब से आईफोन सेवन प्लस ट्वेंटी में प्रेफरेबल नहीं है इसके अलावा आपको फास्ट चार्ज भी नहीं मिलता है इंटरनल स्टोरेज आपको बेस वेरिएंट में थर्टी टू जीबी मिलती है सिंगल सिम स्मार्टफोन है फोर जी सपोर्ट करता है फाइव जी आपको नहीं मिलेगा फिंगरप्रिंट सेंसर फ्रंट में होम बटन पर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ इसके अलावा लाइट सेंसर प्रॉक्सिमिटी सेंसर बैरोमीटर और जायरोस्कोप लेकिन आपको फेस अनलॉक आईफोन सेवन प्लस में नहीं मिलता है फीचर्स के बाद अगर हम बात करें कि क्या आई फोन सेवन प्लस ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में लेना सही रहेगा या फिर नहीं तो मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आप ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में आई फोन सेवन प्लस को अवॉइड कर सकते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि आपको सेकंड हैंड स्मार्टफोन मिलेगा काफ़ी ज्यादा पुराना होगा बैटरी रिप्लेस्ड होगी ज्यादातर चांसेस हैं कि डिस्प्ले भी रिप्लेस्ड होगी और डिस्प्ले रिप्लेस होने के बाद ओरिजिनल वाली क्वालिटी और वो फील नहीं आता है बैटरी बैकअप बहुत ही ज़्यादा बेकार हो चुका होगा आपको हर छः महीने के बाद रिप्लेस करवानी पड़ेगी ज्यादा से ज्यादा अगर आपकी बैटरी चलेगी तो एक साल तक उसके बाद आपको हंड्रेड बैटरी जरूर रिप्लेस करवानी पड़ेगी वरना आपका फ़ोन बिल्कुल भी काम नहीं करेगा तो अगर बैटरी आपके लिए एक इशू है और आपको तो बैटरी बैकअप अच्छा चाहिए तो आईफोन 7 सेवन प्लस ट्वेंटी में आपके लिए बिल्कुल भी बेकार है दूसरा रीज़न है इसका डिज़ाइन अगर आपको थिक एजेस नहीं पसंद तो आईफोन 7 सेवन प्लस आपके लिए एक बेटर चॉइस नहीं है क्योंकि आईफोन 7 सेवन प्लस में थिक एजेस मिलती हैं ऊपर और नीचे दोनों साइड तीसरा रीजन है आई अपग्रेड्स आई फोन सेवन प्लस में फ़िफ्टीन पॉइंट सेवन पॉइंट थ्री के बाद कोई भी नेक्स्ट अपग्रेड नहीं आने वाला है ये तो हो गई आई फोन सेवन प्लस को ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में ना लेने की वजह अगर हम बात करें कि आई फोन सेवन प्लस को किस वजह से लिया जा सकता है तो सबसे पहले आता है इसका कैमरा आई फोन सेवन प्लस का कैमरा अभी भी अच्छा है अगर आपको आठ दस या बारह हज़ार का स्मार्टफोन कहीं मिल जा रहा है अच्छी कंडीशन में जिसकी बैटरी सिर्फ़ एक आध बार रिप्लेस हुई हो डिस्प्ले अगर ओरिजिनल हो तो आप आई फोन सेवन प्लस को ले सकते हैं क्योंकि आठ हजार आठ से दस हज़ार की रेंज

आईफोन सेवन प्लस ही चाहिए तो आप इसको सेकेंड हैंड मार्केट से जाकर के ले सकते हैं या फिर आप ओ पर इसको ढूंढ सकते हैं लेकिन आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा लेने से पहले सारे चीज़ें ज़रूर चेक करिएगा अच्छे से डिस्प्ले और बैटरी का भी एक बार आप कंफर्मेशन ज़रूर कर लीजिएगा और बिल भी ज़रूर मांगिएगा उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गुड बाय टिल दिन